देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन के बीच बिहार के लगभग 25 लाख लोग बिहार से बाहर में फंसे हुए हैं, जिसे बिहार लाने के लिए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मांग कर रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए 2000 बस भी बिहार सरकार को देने के लिए कहा है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आया है कि बिहार के लोगों को कैसे और कब लाया जाएगा। बाहर फंसे लोगों को बिहार नहीं लाए जाने से नाराज तेजस्वी यादव ने पूर्व में ही यह ऐलान कर दिया था कि 1 मई को यानी मजदूर दिवस को राजद के सभी कार्यकर्ता अपने अपने घर पर उपवास पर रहेंगे। और अभी अभी तेजस्वी यादव के फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। आज के दिन हमारी पार्टी ने निर्णय किया है कि आज हम लोग सांकेतिक उपवास पर बैठेंगे। सांकेतिक उपवास पर इसलिए बैठेंगे ताकि बिहार के बाहर लगभग 25 लाख से भी ज़्यादा हमारे भाई गरीब मजदूर जो श्रमवीर हैं वो फंसे हुए हैं, उनको बिहार वापस लेकर के आना है। आज हम लोग बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब उनको बिहार वापस लाया जाए। ये हम लोगों की मांग है, सरकार को जगाने का काम करना है, इसलिए हम लोग आज सांकेतिक उपवास पर बैठे हैं और हमारी मांगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार जल्द से जल्द पूरा करें। और आज के दिन सभी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, विधायक, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और ख़ास तौर पर बिहार के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इसका समर्थन किया। जय हिंद, जय बिहार।